है दांत का उल्टा चश्मा। ये भगवान, क्यों मेरा भाग्य हमेशा समंदर की लहरों की तरह उछलता रहता है? नहीं था तो एक नहीं था, पर अब एक साथ दो दो रिश्ते आ गए। किसे हाँ कहूं और किसे ना कहूं? मुझे सपना तुम? हाँ प्यारे लाल जी, आप मुझे शादी के लिए हाँ कही। तुम्हें पता चल गया कि मैंने कल्पना को भी शादी के लिए हाँ कहा है? हाँ, पर अभी आप कल्पना को भूल जाइए और मुझे शादी के लिए हाँ कहिए। नहीं, आप मुझे हाँ कहिए। कल्पना तुम? हाँ पोपटलाल जी, आप मुझे शादी के लिए हाँ कहिए। तुम यहाँ कैसे है? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। नहीं प्यारे लाल जी, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। आपने मुझे शादी के लिए हाँ कहा है? नहीं प्यारे लाल जी, पहले आपने मुझे शादी के लिए हाँ कहा है। इससे पहले तो मैंने आपको शादी के लिए हाँ कह दी है। प्यारे लाल जी, आपको हाँ पहले मैं कहने वाली थी, उसी वक्त ये लोग आ गए, इसलिए मैं आपको हाँ नहीं कह पाई। पर मैं तो आपको एक महीने पहले से पसंद करती हूँ, इसलिए आप मुझे ही हाँ कहिए। प्यारे लाल जी, आप इसे ना कहिए और मुझे हाँ कहिए। नहीं प्यारे लाल जी, आप मुझे हाँ कहिए। नहीं प्यारे लाल जी, आप मुझसे शादी करोगे? नहीं पोपट जी, आप मुझे हाँ कहिए। नहीं, आप मुझसे शादी करोगे? आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं प्यारे लाल जी, आप मुझसे शादी के लिए हाँ कीजिए। नहीं, आप मुझे हाँ कीजिए। नहीं प्यारे लाल जी, आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहिए। नहीं प्यारे लाल जी, प्यारे लाल जी सुनिए, शादी कीजिए। अरे सुनिए सुनिए, अरे देखिए प्यारे लाल जी, मैंने आपको इस जन्म का साथी मान लिया है। अरे पोपट लाल जी, मैंने तो आपको सातों जन्म के लिए अपना मान लिया है, इसलिए आप मुझसे ही शादी कीजिए। ठीक है प्यारे लाल जी, आप इसे सात जन्म दे दीजिए, पर इस जन्म में तो आप सिर्फ मेरे हो। नहीं आप मेरे हो। नहीं आप मेरे हो। अरे आप मेरे हो। नहीं आप मेरे हो। आप मेरे हो, मुझसे शादी कीजिए। नहीं आप मेरे हो। अरे आप मुझसे हाँ कीजिए। नहीं आप मुझसे हाँ कीजिए। अरे नहीं, आप मुझसे शादी करेंगे। अरे तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, बस करो। अरे हाथ जोड़ता है। कल्पना, कल्पना, ये मेरा भ्रम था। अरे अजीब उलझन में फंस गया हूँ, लेकिन दिल पर पत्थर रख के दोनों में से एक को ना भूलना ही पड़ेगा। प्यारे अंकल, हम क्या सुन रहे हैं, आज आपके लिए दो दो रिश्ते आ रहे हैं। पहले ये बताइए प्यारे अंकल, दोनों में से हाँ किसने कहा? दोनों ने। अच्छा तो आपने किसे हाँ कहा? दोनों को। उत्तरी, मतलब आपकी दो दो बार शादी होगी? पोपट अंकल, प्यारे अंकल, प्यारे अंकल, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक तो भाग्य ने मेरे साथ किया है, बहुआ यूं की। जल्दी बताइए पोपट लाल जी, क्या जवाब है आपका? मेरे भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। सपना कहो ना, क्या जवाब है तुम्हारा? मेरी प्यारे लाल जी से शादी के लिए हाँ है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। उलझन ये है कि मैं सपना और कल्पना में से किसे हाँ कहूँ और किसे ना कहूँ। प्यारे अंकल, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप दोनों आंटियों के नाम की ना चिट्ठी उचालिए, एक में कल्पना आंटी का नाम लिखिए और एक में सपना आंटी का, और जो भी चिट्ठी निकलेगी उससे आप शादी कर लेना। गुड आइडिया। अरे ये क्या गुड आइडिया, मैं चिट्ठी उछाल के अपने जीवन का निर्णय नहीं करना चाहता। वो तो सपना आंटी और कल्पना आंटी के नाम पर सिक्का उछाल दे, काटा है तो कल्पना आंटी, छापा है तो सपना आंटी।
अरे गोगी, प्यारे अंकल को शादी करनी है, मैच थोड़ी खेलनी है कि वो टॉस उछाल के डिसीजन लेंगे। हाँ, तो गोगी एक मिनट। प्यारे अंकल, मुझे नहीं लगता आपको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। मतलब? मतलब ये कि आपको लाइफ पार्टनर चूज करना है। ऐसे थोड़ी ना एक बार मिलके डिसीजन लिया जाता है। बराबर। अरे तो कैसे लेते हैं? पोपट अंकल, आई थिंक आपको दोनों आंटी से एक बार और अच्छे से मिलना चाहिए। उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिनसे आप उनके नेचर को और करीब से जान सको, और फिर जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और ट्यूनिंग थोड़ी बेटर लगे उन्हें हाँ कह दीजिए। प्यारे अंकल, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। थैंक यू बच्चों, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कल मैं बारी बारी दोनों सुकन्याओं से मिलता हूँ और दोनों को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करता हूँ। जिससे मेरी ट्यूनिंग नहीं मिलेगी उसे सॉरी बोल दूंगा, और जिससे ट्यूनिंग मिलेगी उसे मैं हाँ कह दूंगा। तो पोपट अंकल, प्यारे अंकल, अब आइसक्रीम पार्टी स्टार्ट करें। लेकिन घर में आइसक्रीम नहीं है। डोंट यू वरी, ला भाई, हम लाए। अरे वाह, पहले आइसक्रीम पार्टी करते हैं और फिर सबको बताते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया है। मजा आ जाएगा। मोटी कमर, रुक रुक, भागता किधर है डरपोक? उड़ गए ना तोते।